हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फैंस का ये एक्साइटमेंट अब धरा का धरा ही रह जाएगा। परमानेंटली नहीं, लेकिन फिलहाल कुछ वक्त के लिए। तो अब देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि ब्रह्मास्त्र में रणबीर आलिया एक साथ नजर आएंगे। फिल्म में अमिताभ बच्चन भी होंगे, मौनी रॉय भी होंगी, नागार्जुन का भी किरदार स्पेशल रखा गया है। और यूं तो फिल्म की रिलीज डेट चार बार चेंज हो चुकी है और अब एक बार फिर से खबर आ रही है कि फिल्म को 2022 के लिए टाला जा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म का कुछ पोर्शन बाकी है, कुछ VFX वर्क बाकी है, कुछ पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है। फिल्म अभी बनकर पूरी तरीके से तैयार नहीं है, ये कहा जा सकता है। और ऐसे में कैसे फिल्म को रिलीज किया जाए, क्योंकि ना काम पूरा हुआ है, ना पोस्ट प्रोडक्शन पूरा हुआ है, और फिर जो हालात आप देख रही हैं वो तो सबके सामने है ही। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन है और उसकी वजह से जो पब्लिक प्लेसेस बंद हैं, जिनमें सिनेमा हॉल्स शामिल हैं, थिएटर्स शामिल हैं, तो ऐसी स्थिति में फिल्म के मेकर्स फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और जैसे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स OTT पर अपनी फिल्म रिलीज कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र के मेकर्स चाहते हैं कि जितना पैसा हमने फिल्म में लगा दिया है, कम से कम OTT पर तो फिल्म रिलीज ना हो, क्योंकि वहां से एक तय अमाउंट मिलेगा, लेकिन थिएटर्स में फिल्म की कमाई करने का आंकड़ा कुछ प्रतिशत बढ़ सकता है। और यही वजह है कि इस फिल्म को थिएटर्स में ही रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो कई सारी फिल्में इस साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। कोरोना के मामलों में आई उछाल के बाद ब्रह्मास्त्र के मेकर्स ने अपनी फिल्म को अगले साल गर्मियों में रिलीज करने का मन बनाया है, यानी कि 2022 के समर्स में फिल्म रिलीज हो सकती है। अगर साल 2021 के अंत में हालात सामान्य हो जाते हैं तो अयान मुखर्जी फिल्म का बचा हुआ काम निपटाएंगे। इन दिनों फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर लगातार काम चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रह्मास्त्र धर्मा प्रोडक्शन की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है, जिसमें रणबीर आलिया, नागार्जुन, मौनी रॉय, अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स नजर आएंगे। आप बताइए, ब्रह्मास्त्र को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं, और क्या आपको भी लगता है कि थिएटर्स में इसको रिलीज ना करके इसको भी OTT पर ही आ जाने चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।